तरफ से बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। सिटी के बाद इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया है और इतना अच्छा परफॉर्म करती है अपने इस सेगमेंट में, क्योंकि कम बजट में आपको बहुत ही अच्छी गाड़ी वो मिल जाती है। मेंटेनेंस दोस्तों, अगर आप बूट स्पेस के लिए गाड़ी देख रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों कि 10 लाख के नीचे आपको सबसे ज़्यादा बूट किस गाड़ी में मिलता है। तो अगर आपका बजट 10 लाख है तो आपके लिए इन गाड़ियों में से एक गाड़ी आपका ऑप्शन हो सकती है, अगर आप बूट स्पेस के लिए गाड़ी ले रहे हैं तो। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आपको पता लग जाए कि वो 5 गाड़ियां कौन सी हैं जो कि 10 लाख के नीचे आपको सबसे ज्यादा बूट स्पेस प्रोवाइड करवाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी ऑटोज। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहली जो गाड़ी है वो है 5th पोजीशन की कार आपकी रेनो की तरफ से, रेनो काइगर। जी हाँ दोस्तों, ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में भी इसका जो साइज है आपको थोड़ा सा छोटा दिखेगा, लेकिन ये एक फ्रेंच ऑटोमेकर रेनो की गाड़ी है जो कि इस सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल गाड़ी है। और इस गाड़ी में दोस्तों आपको 405 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है और इसकी कीमत स्टार्ट होती है 5,99,000, यानी पूरे 6 लाख रुपये से। एक्सोरूम का ये प्राइस बता रहा हूँ आपको, जो भी गाड़ियों का प्राइस होगा वो सारे एक्सोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से होने वाला है। तो ये थी दोस्तों आपकी 5th पोजीशन की कार जो कि आपको 405 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड करवाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ। 4th पोजीशन पे है आपकी टाटा की तरफ से टाटा टिगोर। जी हाँ दोस्तों, एक कॉम्पैक्ट सेगमेंट की कार है तो आपको बूट स्पेस अच्छा खासा इसमें मिलने वाला है। और ये एकमात्र दोस्तों ऐसी गाड़ी है जो कि आपको काफी फ्यूल्स में मिल जाती है, जैसे पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक यानी EV। तो ये आपको इन 3 फ्यूल्स में मिल जाती है। डीजल वगैरह के लिए इसमें टाटा ने कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, क्योंकि छोटा इंजन यूज करती है टाटा अपना और वही पेट्रोल में सभी गाड़ियों में यूज होता आ रहा है। इस गाड़ी में दोस्तों आपको 419 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो कि काफी अच्छा बूट स्पेस है। और अगर बात करते हैं दोस्तों इसकी गाड़ी के प्राइस की, तो 6,30,000 से ये गाड़ी स्टार्ट होती है। हाल फिलहाल में टाटा ने थोड़े से प्राइस भी बढ़ाए थे इस पीछे, तो उससे पहले ये गाड़ी जो है वो लगभग 6 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाया करती थी, लेकिन अब ये 6,30,000 से स्टार्ट होती है। और दोस्तों, एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है टाटा की गाड़ी खरीदने का, वो है दोस्तों सेफ्टी। ग्लोबल एनकैप ने इनको बहुत ही अच्छी रेटिंग दे रखी है। 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इनका क्रैश टेस्ट करके देखता है ग्लोबल एनकैप। और अब जो आगे टेस्ट आने वाले हैं दोस्तों वो भारत एनकैप में होने वाले हैं। और टाटा ने जो अपनी 2 गाड़ियां हैं SUV टाटा सफारी और हैरियर को भारत एनकैप में ही टेस्ट करवाया है और उन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। तो टाटा की सेफ्टी तो बिल्कुल टॉप नॉच आपको मिल जाती है, उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली गाड़ी की तरफ। और उससे पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 3rd पोजीशन की कार है हमारी, वो है होंडा की तरफ से होंडा अमेज। जी हाँ दोस्तों, ये एक जैपनीज ऑटोमेकर की तरफ से, होंडा की तरफ से बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। सिटी के बाद इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया है और इतना अच्छा परफॉर्म करती है अपने इस सेगमेंट में। और इस गाड़ी में दोस्तों आपको जो बूट स्पेस मिलता है वो बिल्कुल टाटा टिगोर जैसा ही मिलता है, तो वो 419 प्रोवाइड करवाती है, तो यहाँ आपको 420 लीटर मिल जाता है। और इस गाड़ी का जो प्राइस है वो दोस्तों स्टार्ट होती है एक्स शोरूम से 7,16,000 रुपये से, जो कि एक काफ़ी ठीक प्राइस है। 10 लाख में इसका बहुत ही अच्छा वेरिएंट आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगली गाड़ी के बारे में बात करते हैं जो कि 2nd पोजीशन पर है, वो है आपकी सिट्रोइन C3 एयरक्रॉस। और ये गाड़ी दोस्तों जो C3 हैचबैक है उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है और ये बहुत ही ज़्यादा बिकी थी। C3 एयरक्रॉस की बात नहीं कर रहा, C3 जो हैचबैक है या फिर आप उसको पंच से भी कंपेयर कर सकते हैं, उस साइज़ की वो गाड़ी है। तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिकी थी जब वो लॉन्च हुई थी। लेकिन अगर बात करते हैं एयरक्रॉस की, तो ये C3 से थोड़ी सी बिगर है यानी ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए इसमें बूट स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जाता है और वो है दोस्तों 444 लीटर का। तो 444 लीटर का बिगर बूट स्पेस आपको यहाँ कंपनी प्रोवाइड करवाती है, वो भी 10 लाख रुपए से ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, यानी 10 लाख रुपए एक्सोरूम न्यू दिल्ली में इसका बेस वेरियंट आप ले सकते हैं। ऑन रोड के लिए आपको 1 से 1.5 लाख रुपए ज्यादा देने होंगे। तो ये थी दोस्तों आपकी 2nd कार। और अब बात आती है उस गाड़ी की जो कि सबसे ज्यादा बूट स्पेस प्रोवाइड करवाती है, और वो है दोस्तों आपकी मारुति की तरफ से मारुति सुजुकी नेक्सा सियाज। जी दोस्तों, सेडान सेगमेंट की गाड़ी है और बहुत ही प्रीमियम सी सेगमेंट की गाड़ी है, बहुत ही अंडररेटेड गाड़ी है। ये अगर आप खरीदते हैं तो आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होने वाली। अंडर मेंटेनेंस, बहुत ही लो मेंटेनेंस गाड़ी चलती है ये। और इस गाड़ी का प्राइस स्टार्ट होता है दोस्तों 9,40,000 रुपए एक्सोरूम न्यू दिल्ली। और अगर बात करते हैं बूट स्पेस की, तो 510 लीटर का बूट स्पेस यहाँ आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करवाती है। इस गाड़ी के कम बिकने का कारण है इसी की तरफ से आने वाली, यानी मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली गाड़ी डिजायर जो है वो सबसे ज्यादा बिकती है।
इसी लेवल का कंफर्ट आपको इसमें मिल जाता है, लेकिन प्रीमियमनेस नहीं मिल पाती। लेकिन फिर भी लोग उसको ज़्यादा इसलिए खरीदते हैं क्योंकि कम बजट में आपको बहुत ही अच्छी गाड़ी वो मिल जाती है। मेंटेनेंस भी उसका भी बहुत कम है। मारुति की कोई भी गाड़ी ले लीजिए, उसका मेंटेनेंस आपको कम ही मिलेगा, माइलेज भी अच्छी खासी वहाँ मिल जाती है और कम्फर्ट लेवल भी बहुत ही बढ़िया है। तो फैमिली के लिए भी ले रहे हो या टैक्सी पर्पज़ के लिए ले रहे हो या पर्सनल यूज़ के लिए कैसे भी ले रहे हो, तो डिज़ायर जो है वो सभी सिचुएशन में फिट बैठती है और इससे काफ़ी कम प्राइस पे आ जाती है, इसलिए इस गाड़ी को बहुत ही कम खरीदा जाता है। तो ये थी दोस्तों आपकी 5 गाड़ियाँ जो कि आपको सबसे ज़्यादा बूट प्रोवाइड करवाती हैं। अगर बूट स्पेस आपकी प्रायोरिटी है तो इनमें से आप एक गाड़ी ले लीजिए। सिट्रोन C3 को आप थोड़ा सा साइड में रखेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि सिट्रोइन जो है वो अपना नेटवर्क इतना अच्छा बिल्ड नहीं कर पाई है और हाल फिलहाल में ग्लोबल एनकैप के द्वारा C3 का जो क्रैश टेस्ट है वो किया गया था, जिसमें उसने 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव करी है। तो इसका मतलब बिल्कुल भी सेफ नहीं है वो गाड़ी सेफ्टी के लिहाज से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी देख सके कि सबसे ज़्यादा बूट स्पेस कहाँ मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए गुड डे।